और रेवाड़ी से आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस बीच रेवाड़ी से ये बड़ी खबर, एनएच 11 पर अब देना होगा टैक्स। कल से शुरू होगा काठूवास टोल प्लाजा, फास्टैग से ही अदा करना होगा टैक्स, बिना फास्टैग के देना होगा दोगुना टैक्स। कल से शुरू होगा काठूवास टोल प्लाजा और फास्टैग से ही यहां पर टैक्स अदा करना होगा, टोल टैक्स, और अगर फास्टैग नहीं है तो डबल टैक्स देना होगा। रेवाड़ी एनएच 1 पर अब शुरू होने वाला है टोल टैक्स, रेवाड़ी एनएच 11 पर देना होगा टोल टैक्स। अजय अत्री ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजय, जरा बताएं, टोल टैक्स नया शुरू होने वाला है, क्या तैयारी यहां पर की गई है और इसको लेकर क्या हिदायतें जो है वो जारी की गई हैं? जी बिल्कुल कायनात, आपको बता दें कि रेवाड़ी से जैसलमेर के लिए बनाए जा रहे करीब 692 किलोमीटर लंबे इस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर कल से टोल टैक्स शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत से रेवाड़ी से जैसलमेर तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 का निर्माण यहां पर कराया जा रहा है। मंगलवार यानी कल से वाहन चालकों के लिए टोल टैक्स यहां अदा करना जरूरी कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अगर बात करें तो तमाम तरह की तैयारियां जो है प्राधिकरण की तरफ से पूरी कर ली गई है। खास बात यह है कि यूपी की एक एजेंसी को टेंडर देने के साथ वर्क अलॉट भी कर दिया गया है और कल से ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। खासतौर पर यहाँ बात की जाए, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से जो हिदायतें यहाँ पर दी गई है उसके मुताबिक केवल फास्टैग से ही वाहन चालकों को यहाँ जो रोड टैक्स अदा करना होगा, बिना फास्टैग वाले वाहनों के लिए दो गुना टैक्स यहाँ वसूल करने की जो खासतौर पर बात राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से कही गई है। आपको बता दें कि रेवाड़ी जिले से होकर गुजर रहे दिल्ली जयपुर हाईवे संख्या 8 के साथ लगते बामड़ गांव से ये जो है रेवाड़ी जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 यहां से शुरू होता है, जो कि करीब 692 किलोमीटर लंबा ये जो हाईवे यहां पर तैयार किया गया है। और खास बात ये भी बता दें कि रेवाड़ी से नारनौल तक पहुंचने के लिए जहां पहले करीब 1 से 1.25 घंटे का सफर तय करना पड़ता था वाहन चालकों को, वहीं अब केवल 45 मिनट में ही रेवाड़ी से नारनौल पहुंचा जा सकेगा। इतनी सुविधा के साथ ये राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर तैयार किया गया है। यहाँ इसी को लेकर के तमाम तरह की तैयारियां राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि कल यानी मंगलवार से यहाँ टोल टैक्स वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। एक खास बात साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि रेवाड़ी जिला यानी कि इस राजमार्ग से लगते हुए रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और अलवर जिले करीब 20 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत आने वाले गाँव के लिए एक मासिक पास की सुविधा भी यहां प्राधिकरण टोल प्लाजा की तरफ से शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत मात्र 285 रुपए के अंदर मासिक सीजन पास यहां पर बना करके दिया जाएगा ताकि वाहन चालक आसानी से यहां सफर कर सके। जी तो यानी जो 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनके लिए पास की सुविधा जो है वो दी गई है। हालांकि इससे पहले ये देखा गया है कि जो इस दायरे में आते हैं उनके लिए टोल फ्री रहता है। क्या लगता है इस बात को लेकर, क्या कोई जो है इख्तलाफ भी हो सकता है, नाराजगी भी सामने आ सकती है? देखिए कायनात, अभी तक कोई आपत्ति या नाराजगी की बात हालांकि सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से अभी जानकारी मिल पा रही है उसमें यही कहा जा सकता है कि इन तीनों जिलों यानी कि रेवाड़ी जिले से लगते हुए जो तीन जिले हैं जिसमें एक राजस्थान का अलवर जिला है, वहीं हरियाणा के दो जिले जो कि रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ आते हैं, दोनों जिलों के 20 गाँव को आसपास लगते हुए 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी गांवों के लिए मासिक सीजन पास की ये सुविधा यहां राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से यानी टोल प्लाजा की तरफ से दी गई है ताकि वाहन चालक आसानी से अपने गंतव्य तक सफर कर सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अजय अत्रे इस तमाम जानकारी के लिए। तो रेवाड़ी एनएच 11 पर जो टोल टैक्स शुरू होने वाला है ये काठूवास टोल प्लाजा होगा। 692 किलोमीटर लंबा जो है ये रास्ता यहाँ से बनाया गया है, राजमार्ग बनाया गया है जो जैसलमेर को जोड़ेगा। रेवाड़ी से जैसलमेर तक पहुंचने का रास्ता अब और ज्यादा सुविधाजनक आसान हो जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।